नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां राजस्थान में विधानसभा के 199 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित भी किए जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है और दोनों दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में एक पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला है। वह सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता को जो गारंटियां दी हैं और जो विकास किया है पिछले 5 सालों में, जनता उसको देखते हुए हमारी सरकार को दोबारा चुनेगी। पीएम मोदी ने वोटों से रिकॉर्ड बनाने की अपील करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट जरूर डाले जाए। तेलंगाना से खबर है, जहां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपनी ताकत को झोंकना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज स्टार प्रचारक अभियान के लिए चुनावी राज्य का दौरा करेंगे। वहीं सीएम योगी आज तेलंगाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 11:30 बजे शिरपुर विधानसभा में सीएम योगी जनता को संबोधित करेंगे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे बेमूलावाड़ा में सीएम एक बार फिर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हलाल पर विवाद के बीच सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश में 25 नवंबर मास समेत मांस रहित दिवस घोषित करने का ऐलान किया है। आज शनिवार यानी 25 नवंबर को साधु टीएल वासवानी की जयंती पर यूपी में मांस रहित दिवस रहेगा। वहीं साधु टीएल वासवानी की जयंती पर स्लॉटर हाउस और मांस मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सिंधी समाज ने मुख्यमंत्री योगी का आभार भी जताया है। तो साधु टीएल वासवानी की जयंती पर आज ये फैसला लिया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया है। आज सभी स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे, ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किया गया है। तो आज सभी स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे। साधु टीएल वासवानी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब ये आदेश भी जारी किए हैं, जहां आज सभी यूपी के स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे। तो साधु टीएल वासवानी की जयंती पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, आज यूपी के सभी स्लॉटर हाउस को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा आदेश है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए जिस आज स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज 25 नवंबर की बात की जाए, 25 नवंबर को महापुरुष का की जन्मतिथि मनाई जाती है, तो उसको लेकर के साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि जैसे अन्य महापुरुषों के दिन पर स्लॉटर हाउस सभी बंद रहते हैं, तो उस तरीके से 25 नवंबर को भी पूरी तरीके से बंदी का आदेश दिया गया। और इस मामले को लेकर के प्रमुख सचिव गृह के द्वारा भी लेटर जारी किया गया। इसमें सभी कप्तान और डीएम और एसपी को भी साफ तौर से लेटर लिखा गया, उसमें कहा गया कि इसका सख्ती से पालन कराया जाए और अगर इस निर्देशों का कोई पालन नहीं करता है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, जैसे अन्य महापुरुषों की जयंतियों की बात की जाए, शिवरात्रि की बात की जाए, इन सभी दिनों पर जैसे त्योहारों के मौके पर स्लॉटर हाउस और मीट की जो दुकानें बंद होती हैं, उसी तरह इस पर भी एक बंदी का आदेश दिया गया है और ये लगातार जारी रहेगा 25 नवंबर को। हर 25 नवंबर को दुकान बंदियों का जो आदेश है, इस पर पूरी तरीके से अमल करना होगा। अब साफ तौर से ये कहा गया है, जो भी अगर इसमें लापरवाही बरतेंगे, फिर चाहे कप्तान हो या फिर कमिश्नर हो या डीएम हो, तो उनके ऊपर भी एक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन बंदी का जो आदेश दिया है स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को, वो कितना सख्ती से पालन होगा या फिर जो दुकानें खुली मिलती हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ अभियान चला करके कार्रवाई देखने को मिलेगी। मुस्कान जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हाँ चलो अगली खबर बिजनौर से है, जहां नूरपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बता दें कि 16 नवंबर को लखनऊ से शुरू हुई पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा आज बिजनौर में जाकर संपन्न होगी। अखिलेश यादव के कार्यक्रम के मुताबिक तकरीबन 12:30 बजे खालसा इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे, जहां नूरपुर के खालसा इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए आज अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो देखिए, जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। साथ ही अखिलेश यादव का बिजनौर दौरा है, जहां अखिलेश यादव आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय यात्रा का समापन कार्यक्रम है, जिसमें अखिलेश यादव आज बिजनौर पहुंचेंगे और बिजनौर में सामाजिक न्याय यात्रा खत्म हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव शिरकत करते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, बिजनौर में अखिलेश यादव आज शिरकत करेंगे, जहां सामाजिक न्याय यात्रा का समापन हो गया। क्या कुछ कार्यक्रम आज बिजनौर में देखने को मिलेगा रितेश? देखिए मुस्कान, सबसे पहली चीज ये है कि अखिलेश यादव ने जो यात्रा शुरू की थी, ये लखनऊ से शुरुआत की गई थी और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, संभल होते हुए आज ये बिजनौर में इस यात्रा का समापन होना है। तो ऐसे में सामाजिक न्याय यात्रा की जो शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी, वो जातीय जनगणना को लेकर के वो जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने किया था। तो ऐसे 17 जिले थे जिन जिलों में जाकर के वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और इसके द्वारा पूरी तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के जनता को जागरूक करते हैं। तो ऐसे में आज बिजनौर में उनका कार्यक्रम है और बिजनौर में बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और इस संबोधन में वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को ये साबित करेंगे कि वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उनको किस तरीके से वो जीतेंगे। ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर के वो आज मंच पर कुछ बोल सकते हैं। इसी के लिए वो पूरी तरीके से जो सामाजिक न्याय यात्रा चलाई जा रही थी, आज उसका समापन होना है। बिल्कुल, देखिए रितेश, आज बिजनौर में अखिलेश यादव की जो सामाजिक न्याय यात्रा है, इसका समापन होना है। क्या आज समापन समारोह में इस यात्रा के सेकेंड फेज का भी ऐलान किया जा सकता है क्या? देखिए बिल्कुल, कयास ये लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है, आने वाला है, तो ऐसे में सामाजिक न्याय यात्रा का जो समापन आज हो रहा है, तो आज ये पश्चिमी जिलों से इसका समापन है, हो सकता है आने वाले समय में अब ये पूर्वी जिलों में भी इसका आगाज किया जाए। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये भी घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल ये जो जातीय जनगणना की बात कही जा रही थी, तो इसके लिए सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी कि इसके तहत जिस तरीके से पीडीए की बात लगातार की जा रही थी कि पिछड़े आदिवासियों और दलित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ऐसा अखिलेश यादव लगातार बोलते रहे, इसको लेकर के यही एक जन जागरूकता थी जिसको लेकर के वो जनता के बीच पहुंचना चाह रहे थे। तो आज जैसे बात की जाए तो बिजनौर में इस जनसभा के साथ आज इसका जो है यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का संबोधन भी होगा। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करेगा और कैसे मजबूत होकर के आगामी लोकसभा चुनाव में वो मैदान में उतरे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां रेप और हत्या के मुख्य आरोपी पवन को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मार दी है। उसके दोनों पैरों में 2 गोलियां लगी है और मुठभेड़ के दौरान एडिशनल एसपी ने पूरी कार्रवाई को लीड किया है। बदमाश को पुलिस ने घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और मामला जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के यमुना नदी के कछार का है। बता दें कि रेप और हत्या के फरार आरोपी पवन को पकड़ने के लिए एसओजी और पुलिस की ज्वाइंट टीम लगी हुई थी और मुखबिर की सूचना पर यमुना नदी के कछार में आरोपी के होने का पता चला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान हथियार लैस आरोपी ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और मुठभेड़ की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। देखिए 20 नवंबर 2023 को थाना महेवा घाट में हुई युवती की हत्या के संदर्भ में एक आरोपी के आज सुबह महेवा घाट के कछार में छुपे होने की सूचना थी, जिस पर एसओजी प्रभारी एवं थाना महेवा घाट की पुलिस ने कॉम्बिंग की। आमना सामना होने पर आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में आरोपी, जो 25,000 का इनामी भी है, वो घायल हुआ है।
उसके पैरों में 2 गोलियां लगी हुई हैं। इसे उपचार के लिए मंझनपुर जिला चिकित्सालय लाया गया है और पूरे प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर का और कई जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। सर, इसके पहले भी इसका भाई भी गिरफ्तार हुआ है मुठभेड़ में? हाँ, वो भी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है और बाकी जो 1-2 शेष अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बीते दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री कानपुर पहुंचे थे, जहां कानपुर देहात के रंजीतपुर में बने पवन तनय आश्रम बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक आपके जैसे पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग नहीं जागेंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना हम सभी का कर्तव्य और दायित्व है। जय बागेश्वर धाम की जय। आज जो है भगवान श्री हनुमान जी महाराज के पास बागेश्वर बालाजी की दया से हम एक दिवस के लिए कानपुर आए हैं और यहाँ पर कानपुर देहात में पवन तनय आश्रम भगवान श्री सुवर्ण सरकार महाराज जी का जो पावन आश्रम है वहाँ हनुमान जी महाराज के दर्शन महाराज जी को मिलने आए हैं। अब अगली खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों का आतंक लगातार जारी है। जहां दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने गए परिजनों पर दबंगों ने चाकू से जानलेवा हमला किया है, वहीं दबंगों के हमले में 3 लोग घायल भी हो गए हैं, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि डी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर, अभी चाकू से घायल युवक आया है, क्या है मामला? हाँ, रवि नाम का एक लड़का 15 वर्षीय DCSC से रिफर आया हुआ है, उसे स्टैब इंजरी है, चाकू लगा हुआ है, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है और सर्जन को अर्जेंट कॉल भेजा गया, वो आके देख रहे हैं। सर, हालत कैसी है? अभी तो हालत ठीक है, बाकी तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के बाद क्लियर होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।